Hello friends, welcome back to my YouTube channel Go Agro. So friends, today's lecture is on genetics. ये genetics का fourth lecture है. इससे पहले मैंने genetics के और भी lectures लिए थे, जैसे कि cytology पर, cell organelles and chromosome पर. इसका link आपको video के description में मिल जाएगा. So आज के lecture का topic है cell division. इस लेक्चर में हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, माइटोसिस एंड मियोसिस. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. सबसे पहला टॉपिक है सेल डिवीजन. जैसा कि हम जानते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट सेल को बोला जाता है. सेल एक बेसिक यूनिट है एंड सारी सेल का ओरिजिन होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से. मीन्स एक सेल डिवाइड होके दो सेल बनाती है एंड ऐसे सेल में डिविजन्स होते हैं. सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स एंड साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है एंड ये डॉटर सेल्स बनाते हैं. इसे हम सेल डिवीजन बोलते हैं. सेल डिवीजन टू टाइप से होता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस का मीनिंग होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है एंड साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है. इसके अलावा सेल डिवीजन्स फाइव टाइप के होते हैं. फर्स्ट है एमाइटोसिस. एमाइटोसिस में सेल डायरेक्टली डिवाइड हो जाती है एंड ये बैक्टीरिया और यीस्ट में मिलता है. जैसे कि बैक्टीरिया में फ्यूजन होता है एंड यीस्ट में बडिंग होती है. सेकेंड है एंडोमाइटोसिस और सी माइटोसिस. सी माइटोसिस का मतलब है यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट नहीं होती है. यहाँ पर क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है जिसकी वजह से पॉलीप्लॉइडी होती है. नाउ थर्ड है प्रिकाइमियोसिस. यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन तीन बार होता है. फर्स्ट और थर्ड डिवीजन रिडक्शनल डिवीजन होता है एंड सेकेंड डिवीजन सेम माइटोसिस जैसा होता है. ये एस्कोमाइसिटीज के अंदर होता है. नाउ फोर्थ है माइटोसिस. माइटोसिस डिवीजन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स दोनों में होता है. यहाँ पर न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म दोनों ही डिवाइड करते हैं. माइटोसिस के बाद टू सेल्स बनती है जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल होती है और सेम होती है. माइटोसिस टर्म फर्स्ट टाइम वॉल्टर फ्लेमिंग ने दिया था 1882 में. माइटोसिस हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ फिफ्थ टाइप ऑफ डिवीजन है मियोसिस. मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है. यहाँ पर भी न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म दो बार डिवाइड होते हैं क्योंकि मियोसिस टू टाइप से होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड. मियोसिस के बाद यहाँ पर फोर सेल्स बनती है जो कि आइडेंटिकल नहीं होती है. यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है. क्रोमोसोम्स यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट होते हैं एंड इनका नंबर हाफ होता है. मियोसिस की डिस्कवरी की थी स्ट्रासबर्गर ने एंड मियोसिस टर्म फर्स्ट टाइम दिया था फार्मर एंड मूरे ने. अब हम सेल डिवीजन स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर सेल डिवीजन साइकिल दी है. सो यहाँ पर तीन फेजेस दी है, G1, S एंड G2. इसे हम इंटरफेस बोलते हैं. इंटरफेस एक रेस्टिंग फेज होता है. यहाँ पर सेल डिवाइड नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर सेल मेटाबॉलिकली प्रिपेयर होती है डिवीजन होने के लिए. इस स्टेज में सेल सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है. यहाँ पर सेल डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर करती है. इसके बाद फेज आता है सेल डिवीजन फेज. इसमें सेल फाइनली डिवाइड होती है. इसमें हम माइटोसिस और मियोसिस पढ़ते हैं. जैसे कि माइटोसिस में हम फोर फेजेस पढ़ते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज.
यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में साइटोकाइनेसिस होता है, मीन्स यहाँ पर सेल फाइनली डिवाइड होती है एंड इसके बाद ये साइकिल कंटिन्यू हो जाती है, फिर से इंटरफेज आता है एंड अगेन सेल डिवीजन फेज। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटरफेज। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सेल डिवाइड नहीं होती है बल्कि यह मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव होती है। यहाँ पर सेल खुद को प्रिपेयर करती है डिवाइड होने के लिए। इंटरफेसेस की थ्री फेजेस होती हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज को हम बोलते हैं गैप 1 फेज, S फेज को बोलते हैं सिंथेसाइजिंग फेज एंड G2 फेज को बोलते हैं गैप 2 फेज। नाउ फर्स्ट फेज है G1 फेज और गैप 1 फेज। इस फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और यहाँ पर सेल डिसीजन लेती है कि उसे डिवाइड होना है या नहीं। ये फेज एम फेज मीन्स माइटोटिक फेज और मियोसिस फेज एंड एस फेज सिंथेसाइजिंग फेज के बीच में होता है, इसीलिए हम इसे प्री सिंथेसाइजिंग फेज और पोस्ट माइटोटिक फेज बोलते हैं क्योंकि ये सिंथेसिस से पहले होता है, मीन्स एस फेज से पहले होता है एंड माइटोटिक फेज के बाद आता है, इसीलिए पोस्ट माइटोटिक फेज। इस फेज में सेल की ग्रोथ होती है, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। नाउ सेकेंड फेज है एस फेज और सिंथेसाइजिंग फेज। जैसे ही एक सेल G1 फेज से एस फेज में एंटर होती है तो उस केस में फाइनली सेल डिवाइड होती है। इस फेज में DNA का रेप्लिकेशन होता है लेकिन क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन भी सिंथेसिस होता है। एस फेज में DNA पॉलीमरेज एंजाइम एक्टिव होता है एंड ये DNA रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी होता है। सो एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है एंड DNA का सिंथेसिस होता है। नाउ थर्ड फेज है G2 फेज और गैप 2 फेज। इसे हम पोस्ट DNA सिंथेसिस फेज बोलते हैं क्योंकि ये सिंथेसिस फेज के बाद आता है एंड प्री माइटोटिक फेज बोलते हैं। इस फेज में भी सेल ग्रोथ कंटिन्यू होती है एंड और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। यहाँ पर भी सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, यहाँ पर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जो कि स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए ज़रूरी होता है। सेल डिवीजन होने के लिए रियल प्रिपरेशन यहीं पर होती है। नाउ इंटरफेस कंप्लीट होने के बाद सेल फाइनली खुद को प्रिपेयर कर लेती है डिवीजन होने के लिए एंड इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है माइटोसिस। यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस होता है, मीन्स न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस का डिवीजन यहाँ पर फोर स्टेप्स में होता है। फर्स्ट है प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज एंड लास्ट है टीलोफेज। माइटोसिस का मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, यहाँ पर सेल का नंबर इंक्रीज होता है। प्लांट्स में माइटोसिस डिप्लोइड सेल एंड हैप्लोइड सेल दोनों में होता है। माइटोसिस एक टाइप का डिवीजन है जहाँ पर एक पेरेंट सेल टू डॉटर सेल्स में बनती है एंड ये सेल्स क्वांटिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली सिमिलर होती है पेरेंट सेल से। माइटोसिस एक फास्ट टाइप का डिवीजन है। नाउ माइटोसिस की हम फेजेस पढ़ते हैं। फर्स्ट फेज है प्रोफेज, इसे हम लॉन्गेस्ट फेज बोलते हैं। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिन मटेरियल को पढ़ा था। सो इस फेज में बताया है कि यहाँ पर क्रोमेटिन मटेरियल का कंडेंसेशन होता है। इनिशियली यहाँ पर क्रोमेटिन थ्रेड प्रेजेंट होते हैं जो कि कंडेंस्ड होकर शॉर्ट एंड थिक बन जाते हैं
जैसा कि हम यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं रेड ब्लू कलर के, हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं जो कि सेंट्रोमियर से अटैच्ड होते हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम की कॉइलिंग होती है। प्लांट सेल में क्योंकि सेंट्रायोल एब्सेंट होता है, इसीलिए यहाँ पर जो माइटोसिस होता है उसे एन एस्ट्रल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एस्टर रेस अराइज नहीं होती है। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर डैश डैश डी है। इसके अलावा न्यूक्लियस यहाँ पर डिसअपियर हो जाता है एंड गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम भी डिसअपियर हो जाता है। एंड क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसीलिए यहाँ पर क्रोमोसोम मटेरियल पूरा साइटोप्लाज्म में फैला होता है। नाउ नेक्स्ट फेज है मेटाफेज। यहाँ पर क्रोमोसोम काफ़ी क्लियर हो जाता है और मॉर्फोलॉजिकली क्रोमोसोम एकदम क्लियर होता है और हम इसे स्टडी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेटाफेज में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। यहाँ पर डिसकंटीन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जो कि पोल से सेंट्रोमियर तक प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सपोर्टिंग फाइबर्स होते हैं जो कि पोल से पोल तक होते हैं। मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पर जो क्रोमोसोम बड़े होते हैं वो पेरीफेरी और बॉर्डर की तरफ होते हैं, लेकिन जो क्रोमोसोम शॉर्ट होते हैं वो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं और उन्हें हम सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं और ये सेंट्रोमियर से अटैच्ड होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सेंट्रोमियर के पास एक प्रोटीन डिस्क होती है जिसे हम काइनेटोकोर बोलते हैं एंड ये स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से अटैच्ड होते हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम की आर्म्स पोल्स की तरफ फेस करती हैं एंड सेंट्रोमियर इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज होता है। नाउ इसके बाद है थर्ड फेज एनाफेज, इसे हम शॉर्टेस्ट फेज बोलते हैं। एनिमल सेल में यहाँ पर सेंट्रायोल डिवाइड होता है। इसके अलावा यहाँ पर सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है और हर एक क्रोमोसोम के पास 1 क्रोमेटिड प्रेजेंट होता है एंड ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पर क्रोमेटिड सिंगल हो गए हैं एंड अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम की आर्म्स सेंट्रल की तरफ फेस करती है एंड सेंट्रोमियर पोल की तरफ फेस करता है, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पर पुलिंग एंड पुशिंग का मैकेनिज्म चलता है एंड इसी की वजह से यहाँ पर क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल्स पे मूव करते हैं। लेट एनाफेज में क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल्स पर पहुँच जाते हैं। नाउ फोर्थ और लास्ट फेज है टीलोफेज, इसे हम रिवर्स प्रोफेज बोलते हैं, क्योंकि जैसा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गए थे प्रोफेज में, वो यहाँ पर रीअपियर होने लग जाते हैं। इसके अलावा क्रोमोसोम्स यहाँ पे अनकॉइल होते हैं, फिर से थ्रेड लाइक बनना स्टार्ट हो जाते हैं एंड यहाँ पर क्रोमोसोम का डिकंडेंसेशन होता है एंड टीलोफेज के एंड में 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाती है एंड यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस फाइनली ख़त्म होता है। सो यहाँ पर माइटोसिस का पिक्चर दिया है। सबसे पहले है इंटरफेज, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस सब प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आता है प्रोफेज, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्रोमेटीन की कंडेंसेशन होता है एंड कॉइलिंग होती है। नेक्स्ट फेज है मेटाफेज, मेटाफेज में क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन पर अरेंज हो जाते हैं एंड ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। इसके अलावा यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स का भी फॉर्मेशन होता है जो कि क्रोमोसोम को पोल्स तक अटैच करते हैं।
नेक्स्ट फेज है एनाफेज। एनाफेज में सेंट्रोमियर डिवाइड करता है और ईच क्रोमेटिन पोल्स की तरफ मूव करती है। एंड लास्ट फेज है टीलोफेज। टीलोफेज में न्यूक्लियस का फाइनल डिवीजन होता है एंड टू डॉटर न्यूक्लियाई बन जाती है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट माइटोसिस। माइटोसिस का रिजल्ट फाइनली टू डॉटर न्यूक्लियस बन जाती है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में सेल डिवीजन होता है। एनिमल सेल में सेल डिवीजन सेल फॉर्म मेथड से होता है एंड प्लांट सेल में सेल डिवीजन प्लेट मेथड से होता है। यहाँ पर फ्रेगमोप्लास्ट मींस एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी के जो पीसेज होते हैं वो सेल प्लेट बनाते हैं एंड इसी से ही सेल डिवाइड करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट माइटोसिस। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मियोसिस। मियोसिस टू टाइप का होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। यहाँ पर कंटिन्यूस टू टाइप से डिविजन्स होते हैं एंड इन दोनों के बीच में एक शॉर्ट इंटरफेस होता है। मियोसिस में तीन स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट है कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, इसे हम मियोसिस फर्स्ट भी बोलते हैं। यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन होता है एंड टू हैप्लोइड सेल्स बनती है एक सिंगल डिप्लोइड सेल से। इसके बाद आता है इंटरफेस। यहाँ पर डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता है, ये एक शॉर्ट पीरियड होता है। इसके बाद थर्ड है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में इक्वेटोरियल डिवीजन होता है और ये एक सिंपल माइटोसिस जैसा होता है सेम। नाउ फर्स्ट है कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट और मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट की फोर फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, सेम माइटोसिस जैसे। प्रोफेज यहाँ पर लॉन्ग होता है क्योंकि प्रोफेज की भी यहाँ पर अलग अलग फेजेस होती हैं। ये फाइव फेजेस में डिवाइड होता है, ये सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होती है। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है, सिनेप्सिस होता है, ये सभी हम आगे पढ़ेंगे। नाउ यहाँ पर फाइव फेजेस दी हैं। सबसे पहले है लैप्टोटीन। लैप्टो का मीनिंग होता है थिन एंड टीन का मतलब होता है थ्रेड। यहाँ पर क्रोमोसोम लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक होता है। इसके अलावा क्रोमोसोम्स यहाँ पर बीडेड होते हैं, मींस जैसा कि एक रस्सी पे मोती होते हैं वैसे ही यहाँ पर कुछ क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम थ्रेड के ऊपर क्रोमोमियर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम्स मोनोवेलेंट होते हैं। कुछ सेल्स में ये क्रोमोसोम एक बुके जैसा दिखता है, जैसा कि एक फ्लावर का बुकेट होता है सेम। लैप्टोटीन में न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है जायगोटीन। जायगोटीन का मतलब होता है कपल्ड। सो इस फेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है जिसे हम सिनेप्सिस बोलते हैं। यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स जिप लाइक फैशन में अरेंज होते हैं, जैसे कि हम चैन देखते हैं ना सेम वैसे, और इस दोनों को अटैच करता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जो कि यूबीक्यूटीन प्रोटीन से बना होता है। यहाँ पर क्रोमोसोम बायवेलेंट होता है, जैसा कि लास्ट स्टेप में क्रोमोसोम मोनोवेलेंट था एंड यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग होती है इसीलिए क्रोमोसोम्स बायवेलेंट होते हैं। मोजेस ने फर्स्ट टाइम सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी की थी। यहाँ पर न्यूक्लियर मैम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती है। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स रिकॉम्बिनेशन के लिए ज़रूरी होता है एंड ये क्रोमोसोम की पेयरिंग के लिए ज़रूरी होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है पेकाइटीन। पेकाइटीन का मीनिंग होता है थिक। पेकाइटीन एक लॉन्गेस्ट और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेज है प्रोफेज की।
यहाँ पर क्रोमोसोम के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा होता है और पीक पे होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रोमोसोम्स की टाइट कॉइलिंग होती है और इस टाइट कॉइलिंग की वजह से यहाँ पर एक टेंशन क्रिएट होता है एंड इस टेंशन की वजह से यहाँ पर क्रोमोसोम ब्रेक हो जाते हैं एंड फिर से वो ब्रेक हुए क्रोमोसोम फिर से रीयूनिट होते हैं अदर क्रोमोसोम के साथ और इसीलिए हम इसे ब्रेकेज एंड रीयूनियन बोलते हैं। इस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है। यहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में कॉइलिंग होती है एंड इसे हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। यहाँ पर एक रिकॉम्बिनेस एंजाइम वर्क करता है। रिकॉम्बिनेस एंजाइम एंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेस का कॉम्बिनेशन है। जैसा कि हम जानते हैं एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यहाँ पर क्रोमेटिड्स को कट करने के लिए हेल्प करता है जबकि लाइगेस एंजाइम उन्हें फिर से जोड़ने के लिए काम करता है। क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है इसीलिए जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में एंड जिस जगह पर क्रॉसिंग ओवर होती है उसे हम कायज़मेटा बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर दो होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है एंड यहाँ पर क्रोमोसोम्स टेट्रावेलेंट बन जाते हैं जो कि एक्स शेप स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं। क्रॉसिंग ओवर कितने परसेंट हुई है ये जेनेटिक मैप को प्रिपेयर करने के लिए हेल्प करता है एंड जेनेटिक मैप की यूनिट होती है सेंटीमॉर्गन। क्रॉसिंग ओवर के बाद यहाँ पर फोर्थ स्टेज आती है डिप्लोटीन। इस स्टेज में जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन में बना था वो यहाँ पर डीजनरेट होता है एंड क्रोमोसोम के बीच में यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स सबसे कम होता है। यहाँ पर क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट होने का ट्राई करते हैं लेकिन यहाँ पर स्टिल वो एक पॉइंट से अटैच्ड होते हैं जिसे कायज़मेटा बोलते हैं। यहाँ पर टर्मिनलाइजेशन होता है मीन्स कायज़मेटा टर्मिनल एंड की तरफ मूव करता है। इसके बाद प्रोफेज की जो लास्ट स्टेज आती है वो है डाइकाइनेसिस। यहाँ पर टर्मिनलाइजेशन ओवर होता है क्रोमोसोम फाइनली सेपरेट हो जाते हैं न्यूक्लियस डिसअपियर होना स्टार्ट करता है एंड जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो साइटोप्लाज्म्स में दिखते हैं क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यहाँ पर डिसअपियर होती है। जो लास्ट हमने फोर फेजेस पढ़ी थी उन सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस प्रेजेंट था लेकिन डाइकाइनेसिस में फाइनली ये डिसअपियर हो जाते हैं एंड क्रोमोसोम्स का यहाँ पर कंडेंसेशन होता है। यहाँ पर प्रोफेज फर्स्ट की स्टेजेस दी हैं। सबसे पहला है लैप्टोटीन। जैसा कि हमने देखा था लैप्टोटीन में बीड्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर क्रोमोसोम्स के ऊपर क्रोमोमियर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आता है जाइगोटीन स्टेज। जाइगोटीन स्टेज में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है एंड ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग करता है और इसे हम सिनेप्सिस बोलते हैं एंड यहाँ पर बायवेलेंट क्रोमोसोम बनता है। इसके बाद थर्ड स्टेज होती है पेकायटीन। पेकायटीन में क्रोमोसोम्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे ज़्यादा होता है एंड इसकी वजह से यहाँ पर क्रोमोसोम्स ब्रेक होके रीयूनियन करते हैं एंड इसे हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ये स्टेज सबसे लॉन्गेस्ट होती है प्रोफेज फर्स्ट की। यहाँ पर क्रोमोसोम्स का रिकॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है डिप्लोटीन। इस स्टेज में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डीजनरेट हो जाता है एंड क्रोमोसोम्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे कम होता है जिसकी वजह से क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं एंड स्टिल ये कायज़मेटा से एक पॉइंट पर अटैच्ड होते हैं। नाउ फिफ्थ है डाइकाइनेसिस।
डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन फाइनली ओवर होता है एंड क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं एंड इस स्टेज में न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पिक्चर दिया है मेटाफेज फर्स्ट का। मेटाफेज फर्स्ट में जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पर क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेन पे अटैच अरेंज हो जाते हैं। नाउ प्रोफेज फर्स्ट के बाद सेकेंड स्टेप आती है मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। यहाँ पर बायवेलेंट क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम्स को सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर से अटैच करता है। नेक्स्ट स्टेज है एनाफेज फर्स्ट। यहाँ पर क्रोमोसोम्स का डिवीजन नहीं होता है। यहाँ पर क्रोमोसोम्स ओनली सेग्रीगेट होते हैं, मीन्स यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन होता है एंड जो डायड है वो मूव करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर से अटैच्ड होते हैं एंड क्रोमोसोम्स यहाँ पे एक वी शेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं क्योंकि इसकी आर्म्स फेस करती है सेंटर की तरफ एंड सेंट्रोमियर पोल्स की तरफ फेस करता है। इस फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। यहाँ पर क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है, सिंपली यहाँ पर क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है। नाउ फोर्थ है टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट में डायड पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस फिर से रीअपियर होना स्टार्ट करता है एंड टीलोफेज के एंड में टू डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होती है। इसके बाद आती है स्टेज इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस प्रोमिनेंट हो जाते हैं एंड डीएनए का डुप्लीकेशन यहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट स्टेज है मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड सेम माइटोसिस जैसा होता है, जैसे कि स्टेप्स हमने माइटोसिस में पढ़ी थी सिमिलरली यहाँ पर भी होता है। एंटीलोफेज के बाद यहाँ पर फाइनली फोर डॉटर न्यूक्लियाई बन जाती हैं एंड इन सभी का क्रोमोसोम नंबर होता है हाफ, डेट इज एन। इसके बाद कैरियोकाइनेसिस यहाँ पर कंप्लीट होता है एंड फाइनली साइटोकाइनेसिस से ये सेल्स डिवाइड करती है एंड फोर डॉटर सेल्स बन जाती है। इसके बाद यहाँ पर ये पिक्चर दिया है। इस पिक्चर में मियोसिस की स्टेजेस दी हैं। सबसे पहला है प्रोफेज फर्स्ट। जैसा कि हमने देखा था प्रोफेज फर्स्ट में हमने सिनेप्सिस क्रॉसिंग ओवर पढ़ा था। इसके बाद यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेटाफेज फर्स्ट में इक्वेटोरियल प्लेन पर अरेंज हो जाते हैं। एनाफेज फर्स्ट में ये क्रोमोसोम्स सेपरेट होना स्टार्ट करते हैं एंड ये पोल्स की तरफ मूव करते हैं। टीलोफेज फर्स्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर होना स्टार्ट करता है एंड यहाँ पर टू डॉटर न्यूक्लियस बनती है जिनका क्रोमोसोम स्ट्रक्चर सेम होता है 2n एंड 2n। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आती है प्रोफेज सेकंड। प्रोफेज सेकंड सिमिलरली माइटोसिस की प्रोफेज जैसा होता है। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है, क्रोमोसोम्स की कॉइलिंग होती है। सेकंड फेज आता है मेटाफेज सेकंड। नेक्स्ट है मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज सेकंड में ये क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज होते हैं। नेक्स्ट फेज है एनाफेज सेकंड। यहाँ पर सेंट्रोमियर डिवाइड करता है, क्रोमोसोम्स यहाँ पर डिवाइड करते हैं। सेकंड यहाँ पर फोर डॉटर सेल्स बनती है एंड यहाँ पर मियोसिस फाइनली कंप्लीट होता है। सो दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट मियोसिस एंड माइटोसिस। इस लेक्चर में हमने सेल डिवीजन पढ़ा था एंड फ्रेंड्स वीडियो देखने के बाद कोएग्रो ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कोएग्रो ऐप पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर वाइज नोट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।